माघ महामहत्तम अध्याय 30। हरे कृष्णा राधे राधे। कल हमने माघ महामहत्तम के अध्याय 29 में ब्राह्मण पुष्कर के द्वारा नर्क में पड़े हुए जीवों के उद्धार की बहुत सुंदर कथा का श्रवण किया। अब आगे ब्राह्मण पुष्कर द्वारा नर्क के जीवों के उद्धार का विवरण सुनकर राजा दिलीप वशिष्ठ जी से बोले, हे मनु, आप इक्ष्वाकु वंश के गुरु और महात्मा है, आपको बारंबार नमस्कार है। माघ स्नान करने वालों के लिए कौन कौन से मुख्य तीर्थ है उनका विस्तार के साथ वर्णन कीजिए, मैं सुनना चाहता हूँ। वशिष्ठ जी ने कहा, राजन, माघ मास आने पर बस्ती से बाहर जहाँ कहीं भी जल हो उसे सब ऋषियों ने गंगा जल के समान बतलाया है, तथापि मैं तुमसे विशेषतः माघ स्नान के लिए मुख्य मुख्य तीर्थों का वर्णन करता हूँ। पहला है तीर्थ राज प्रयाग, यह बहुत विख्यात तीर्थ है। प्रयाग सब तीर्थों में कामना की पूर्ति करने वाला तथा धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। उसके सिवा नैमिषारण्य, कुरुक्षेत्र, हरिद्वार, उज्जैन, सरायू, यमुना, द्वारका, अमरावती, सरस्वती और समुद्र का संगम, गंगा सागर संगम, कांची, त्रियंबकम तीर्थ, सप्त गोदावरी का तट, कालंजर, प्रभास, भद्रिकाश्रम, महालय, ओंकार क्षेत्र, पुरुषोत्तम क्षेत्र, जगन्नाथपुरी, गोकर्ण, भृगुकर्ण, भृगतंग, पुष्कर, त्रिंगभद्रा, कावेरी, कृष्णा, वेणी, नर्मदा, स्वर्णमुखरी तथा वेगवदी नदी, ये सभी माघ मास में स्नान करने के लिए मुख्य तीर्थ है। गया नामक जो तीर्थ है वह पितरों के लिए तृप्तिदायक और हितकर है। ये भूमि पर विराजमान तीर्थ है जिनका मैंने तुमसे वर्णन किया है। राजन, अब मानव तीर्थ बतलाता हूँ, सुनो। उनमें भली भांति स्नान करने से मनुष्य परम गति को प्राप्त होता है। सत्य तीर्थ, क्षमा तीर्थ, इंद्रिया निग्रह तीर्थ, सर्वभूत दया तीर्थ, सरलता तीर्थ, दान तीर्थ, दम तीर्थ, संतोष तीर्थ, ब्रह्मचार्य तीर्थ, नियम तीर्थ, मंत्र जप तीर्थ, प्रिय भाषण तीर्थ, ज्ञान तीर्थ, धैर्य तीर्थ, अहिंसा तीर्थ, आत्म तीर्थ, ध्यान तीर्थ, शिव स्मरण तीर्थ, ये सभी मानस तीर्थ है। मन की शुद्धि सब तीर्थों से उत्तम तीर्थ है। शरीर से जल में डुबकी लगा लेना ही स्नान नहीं कहलाता। जिसने मन और इंद्रियों के संयम में स्नान किया है वास्तव में उसी का स्नान सफल है, क्योंकि वह पवित्र एवं स्नेह युक्त चित वाला माना गया है। जो लोभी, चुगलखोर, क्रूर, दंभी और विषय लोलुप है वह संपूर्ण तीर्थों में स्नान करके भी पापी और मलिन ही बने रहते हैं। केवल शरीर की मैल छुड़ाने से मनुष्य निर्मल नहीं होता, मन की मैल धुलने पर ही वह अत्यंत निर्मल होता है। जलचर जीव जल में ही जन्म लेते और उसी में मर जाते हैं, किंतु इससे वे स्वर्ग में नहीं जाते क्योंकि उनके मन की मैल नहीं धुली रहती। विषयों में जो अत्यंत आसक्ति होती है उसी को मानसिक मल कहते हैं। विषयों की ओर से वैराग्य हो जाना ही मन की निर्मलता है। दान, यज्ञ, तपस्या, बाहर भीतर की शुद्धि और शास्त्र ज्ञान भी तीर्थ है। यदि अंतकरण का भाव निर्मल हो तो ये सबके सभी तीर्थ है। जिसने इंद्रियां समुदाय को काबू में कर लिया वह मनुष्य जहां जहां निवास करता है वहीं वहीं उसके लिए कुरुक्षेत्र, नैमिषारण्य और पुष्कर आदि तीर्थ प्रस्तुत है। जो ज्ञान से पवित्र, ध्यान रूपी जल से परिपूर्ण और राग द्वेष रूपी मल को धो देने वाला है, ऐसे मानस तीर्थ में जो स्नान करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। राजन, यह मैंने तुम्हें मानस तीर्थ का लक्षण बतलाया। अब भूतल के तीर्थों की पवित्रता का कारण सुनो। जैसे शरीर के कुछ भाग परम पवित्र माने गए हैं उसी प्रकार पृथ्वी के भी कुछ स्थान अत्यंत पुण्यमय माने जाते हैं। भूमि के अद्भुत प्रभाव, जल की शक्ति और मुनियों के अनुग्रह पूर्वक निवास से तीर्थों को पवित्र बताया गया है। इसलिए भौम और मानस सभी तीर्थों में जो नित्य स्नान करता है वह परम गति को प्राप्त होता है।
प्रचुर दक्षिणा वाले अग्नि उष्टक आदि यज्ञों से यजन करके भी मनुष्य उस फल को नहीं पाता जो उसे तीर्थों में जाने से प्राप्त होता है, जिसके दोनों हाथ, दोनों पैर और मन फली भांति काबू में हो तथा जो विद्या, तप और कीर्ति से संपन्न हो, वह तीर्थ के फल का भागी होता है। जो प्रतिग्रह से निवर्त, जिस किसी वस्तु से भी संतुष्ट रहने वाला और अहंकार से मुक्त है, वह तीर्थ के फल का भागी होता है। सदा पूर्वक एकाग्रचित्र हो, तीर्थों की यात्रा करने वाला धीर पुरुष कृतघ्न यानी किए हुए उपकार को ना मानने वाला हो तो भी शुद्ध हो जाता है। फिर जो शुद्ध कर्म करता है उसकी तो बात ही क्या है, वह मनुष्य पशु पक्षियों की योनि में नहीं पड़ता, बुरे देश में जन्म नहीं लेता, दुख का भागी नहीं होता, स्वर्ग लोक में जाता और मोक्ष का उपाय भी प्राप्त कर लेता है। अश्रद्धालु, पापात्मा, नास्तिक, संशयात्मा और केवल युक्तिवाद का सहारा लेने वाला, ये पांच प्रकार के मनुष्य तीर्थ फल के भागीदार नहीं होते। जो शास्त्रोक्त तीर्थों में विधि पूर्वक विचरते हैं और सब प्रकार के द्वंद्वों को सहन करते हैं, वे धीर मनुष्य स्वर्गलोक में जाते हैं। तीर्थ में अर्ध और आवाहन के बिना ही श्राद्ध करना चाहिए, वह श्राद्ध के योग्य काल हो या ना हो। तीर्थ में बिना विलंब किए श्राद्ध और तर्पण करना उचित है, उसमें विघ्न नहीं डालना चाहिए। अन्य कार्य के प्रसंग से भी तीर्थ में पहुंच जाने पर स्नान करना चाहिए। ऐसा करने से तीर्थ यात्रा का नहीं परंतु तीर्थ स्नान का फल अवश्य प्राप्त होता है। तीर्थ में नहाने से पापी मनुष्यों के पाप की शांति होती है। जिनका हृदय शुद्ध है उन मनुष्यों को तीर्थ शास्त्रोक्त फल प्रदान करने वाला होता है। जो दूसरों के लिए तीर्थ यात्रा करता है वह भी उनके पुण्य का 16वां अंश प्राप्त कर लेता है। कुश की प्रतिमा बनाकर तीर्थ के जल में उसे स्नान करावे। जिसके उद्देश्य से उस प्रतिमा को स्नान कराया जाता है वह पुरुष तीर्थ स्नान के पुण्य का 8वां भाग प्राप्त करता है। तीर्थ में जाकर उपवास करना और सिर के बालों का मुंडन कराना चाहिए। मुंडन से मस्तक के पाप नष्ट हो जाते हैं। जिस दिन तीर्थ में पहुंचे उसके पहले दिन उपवास करें और दूसरे दिन श्राद्ध एवं दान करें। तीर्थ के प्रसंग में मैंने श्राद्ध को भी तीर्थ बतलाया है। यह स्वर्ग का साधन तो है ही, मोक्ष प्राप्ति का भी उपाय है। इस प्रकार नियम का आश्रय ले माघ मास में व्रत ग्रहण करना चाहिए और उस समय ऐसे ही तीर्थ यात्रा करनी चाहिए। माघ मास में स्नान करने वाला पुरुष सब जगह कुछ न कुछ दान अवश्य करे। बेर, केला और आंवले का फल, सेर भर घी, सेर भर तिल, पान, 16 सेर चावल, कुम्हाड़ा और खिचड़ी, ये 9 वस्तुएं प्रतिदिन ब्राह्मण को दान करनी चाहिए। जिस किसी प्रकार हो सके माघ मास को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। किंचित सूर्योदय होते होते माघ स्नान करना चाहिए तथा माघ स्नान करने वाले पुरुष को यथाशक्ति शोच, संतोष आदि नियमों का पालन करना चाहिए। विशेषतः ब्राह्मणों और साधु सन्यासियों को पकवान भोजन कराना चाहिए। जाड़े का कष्ट दूर करने के लिए सूखे काट दान करने, रुई से भरा अंगा, शैया, गद्दा, यज्ञोपवीत, लाल वस्त्र, रुईदार रजाई, जायफल, लौंग, बहुत से पान, विचित्र विचित्र कंबल, हवा से बचाने वाले ग्रह, मुलायम जूते और सुगंधित उबदन दान करें। माघ स्नान पूर्वक घी, कंबल, पूजन सामग्री, लाल अगर, धूप, मोटी बत्ती वाले दीप और भांति भांति के नैवेद्य, माघ स्नान जनित फल की प्राप्ति के लिए भगवान माधव की पूजा, इन सब चीजों से करें। माघ मास में डुबकी लगाने से सारे दोष नष्ट हो जाते हैं और अनेकों जन्मों के उपार्जित संपूर्ण महापाप तत्काल विलीन हो जाते हैं। यह माघ स्नान ही मंगल का साधन है, यही वास्तव में धन का उपार्जन है तथा यही इस जीवन का फल है। भला माघ स्नान मनुष्यों का कौन कौन सा कार्य नहीं सिद्ध कर सकता। माघ स्नान पुत्र, मित्र, राज्य, स्वर्ग, धन तथा मोक्ष का भी देने वाला है। माघ महामहत्तम अध्याय 30 समाप्त। प्रेम से मन से जाप करते रहो। हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। याद रखो, कलयुग केवल नाम आधारा,
नाम जाप से ही कृष्ण प्रेम भक्ति मुक्ति पाई जा सकती है। राधे राधे।